वेलकम टू इंग्लिश ए टू जेड बाय मयंक। दोस्तों, हम आज सोशल साइंस क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे। इसके पहले पार्ट में हमने इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस क्या होता है नेशन के इकोनॉमी में, इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन देखा और वहां पे पहला क्लासिफिकेशन जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का था वो देखा। तो अब ये दूसरे पार्ट में हम देखेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज को। उसके अलावा हम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे और लास्ट जो टॉपिक है वो भी काफी इंपॉर्टेंस है एग्जाम के नजरिए से देखे तो, वो है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड इट्स सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं सेकेंड एंड द लास्ट पार्ट ऑफ 38th chapter, that is manufacturing industries in India. So let's begin with the first topic, that is mineral based industries. First part में हमने देखा था agro based industries. तो mineral based industries में यहाँ पे सबसे पहला है iron and steel industry. तो the iron and steel industry is base and key industry for economic development. तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो किसी भी देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सबसे अहम और आधार रूप इंडस्ट्री यानी कि उद्योग है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आयरन इज वेरी एंशिएंट इन इंडिया। अगर भारत की बात करें तो भारत में आयरन बनाने का प्रोसेस काफी प्राचीन रहा है। आयरन वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू मेक स्वॉर्ड्स इन दमास्कस। तो प्राचीन समय में दमास्कस की तलवारें काफी फेमस थी और दमास्कस में तलवार बनाने के लिए जो आयरन यानी कि लोहा चाहिए वो भारत से निर्यात किया जाता था। द फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया टू प्रोड्यूस आयरन वॉज एस्टेब्लिश्ड एट पोर्टनोवा इन तमिलनाडु। तो भारत में आयरन के उत्पादन के लिए पहला फैक्ट्री तमिलनाडु के पोर्टनोवा में लगाया गया। Then a successful production of a raw iron was made at Kulti in 1881. और इतना ही नहीं, इसके बाद 1881 में कुल्टी में कच्चे लोहे का सफल उत्पादन भी शुरू किया गया। तो इंडिया का और आयरन इंडस्ट्री का नाता काफी प्राचीन यानी कि बहुत ही पुराना है। In 1907, the Tata Iron and Steel Company was set up at Jamshedpur. 1907 में जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज आर देयर एट बर्नपुर इन वेस्ट बंगाल एंड भद्रावती इन कर्नाटका। तो आयरन एंड स्टील फैक्ट्री वेस्ट बंगाल के बर्नपुर नाम की जगह पे है, वैसे ही कर्नाटका के भद्रावती में भी बनाया गया है। आयरन ओर, कॉल, लाइमस्टोन एंड मैंगनीज आर यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग स्टील। तो लोह अयस्क यानी कि आयरन ओर, कोयला, चूने का पत्थर और मैंगनीज, ये सारी चीजें स्टील बनाने के लिए रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल की जाती है। अ मिनी स्टील प्लांट हैज बीन फाउंड नियर हजीरा इन गुजरात। तो गुजरात में भी मिनी स्टील प्लांट बनाया गया है हजीरा के नजदीक में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, व्हाट वी कॉल इट सेल, looks after administration of the iron and steel factories of India. तो भारत में iron and steel factories को regulate या admin किया जाता है SAIL नामक organization से, जिसका नाम है Steel Authority of India Limited. India ranks fifth in the world in iron and steel production. और भारत का क्रम पांचवा है पूरे विश्व में आयरन और स्टील के उत्पादन के लिए। आयरन एंड स्टील के बाद आता है एल्यूमिनियम रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज। आफ्टर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम रिफाइनिंग इज एन इंपॉर्टेंट मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो आयरन एंड स्टील के बाद एल्यूमिनियम रिफाइनिंग वो सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। अब जैसा हमने इसके प्रीवियस यानी कि 12th चैप्टर में देखा, बॉक्साइट को एल्यूमिनियम ओर कहा जाता है। एल्यूमिनियम इज लाइट इन वेट, स्ट्रॉन्ग, मैलेबल, स्मूथ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड रस्ट प्रूफ। एल्यूमिनियम
वजन में हल्का, मजबूत, लचीला, बिजली का सुचालक और जंगरोधी होता है। एल्यूमिनियम इज एन अलॉय एंड कैन बी मिक्स विद अदर मिनरल्स। एल्यूमिनियम एक मिश्र धातु है और इसे अन्य खनिजों के साथ इजीली मिलाया जा सकता है। इट इज यूजफुल इन मेकिंग कार्स, रेलवेज, एरोप्लेन्स एंड मशीन्स। एल्यूमिनियम का इस्तेमाल कार बनाने के लिए, रेलवे बनाने के लिए, हवाई जहाज बनाने के लिए और अलग अलग मशीनरीज में होता है। अबाउट 40-50% एक्सपेंस इज इनकर इन इलेक्ट्रिसिटी वाइल प्रोड्यूसिंग एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम उत्पादन में लगभग 40-50% खर्च सिर्फ बिजली पे होता है। सो दिस इंडस्ट्री इज सेटअप वेयर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड बॉक्साइट आर अवेलेबल इजीली। तो इसके उत्पादन में बिजली सबसे अहम होती है और इसीलिए ज्यादातर एल्यूमिनियम रिफाइनिंग इंडस्ट्री जहां पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड बॉक्साइट अवेलेबल हो ऐसी जगह पे सेटअप की जाती है। फैक्ट्रीज प्रोड्यूसिंग एल्यूमिनियम आर एस्टेब्लिश इन काउकम्प्ट यानी कि उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। कॉपर रिफाइनिंग इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम के बाद आता है कॉपर रिफाइनिंग इंडस्ट्री। कॉपर यूसेज हैज इंक्रीज बिकॉज इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो तांबे का उपयोग बढ़ गया है क्योंकि ये बिजली का अच्छा सुचालक है। इट इज यूजफुल इन मेकिंग ऑफ रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनर, ऑटोमोबाइल्स, रेडिएटर्स, डोमेस्टिक यूटेंसिल्स। इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन यानी कि एसी, ऑटोमोबाइल, रेडिएटर और घरेलू बर्तन बनाने के लिए होता है। द फर्स्ट कॉपर रिफाइनिंग यूनिट ऑफ इंडिया वॉज सेटअप एज इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन दैट इज नोन एज ICC, दैट इज नॉट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बट ये होता है इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन। और ये एस्टेब्लिश यानी कि सेटअप किया गया था घाटशिला झारखंड में। तो भारत का सबसे पहला कॉपर रिफाइनिंग यूनिट घाटशिला झारखंड में बनाया गया था और जिसको नाम दिया था ICC यानी कि इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन। इन 1972 दिस यूनिट वॉज हैंडेड ओवर टू हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, व्हाट वी कॉल इट HCL, और ICC का नाम बदल के 1972 में क्योंकि इसको HCL के साथ मर्ज कर दिया गया या इसको हैंडओवर कर दिया गया तो ICC बन गया HCL यानी कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। बिसाइड्स HCL टुडे कॉपर इज प्रोड्यूस इन प्राइवेट सेक्टर्स आल्सो। आज HCL के अलावा निजी क्षेत्रों में भी तांबे का उत्पादन किया जाता है। एज द डोमेस्टिक प्रोडक्शन इज नॉट इनफ इट हैज टू बी इंपोर्टेड। आज प्रॉब्लम ये है कि घरेलू उत्पादन हमारे लिए पर्याप्त नहीं है और इसीलिए इसका आयात करना पड़ता है यानी कि दूसरे देशों से मंगवाना पड़ता है। द नेक्स्ट वन इज केमिकल इंडस्ट्री जिसको रासायनिक उद्योग या रसायन उद्योग बोल सकते हम। द केमिकल इंडस्ट्री इज एन इम्पॉर्टेंट वन इन इंडिया। भारत में रसायन उद्योग काफी महत्वपूर्ण उद्योग है। केमिकल्स आर ऑफ टू टाइप्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। मूलतः रासायनिक उद्योग के दो प्रकार हो सकते हैं, एक है कार्बनिक और दूसरा है अकार्बनिक। पेट्रोकेमिकल्स इज द मेन ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री। तो पेट्रोकेमिकल मुख्य कार्बनिक रासायनिक उद्योग है या रसायन उद्योग है। These industries are located near refineries and petrochemical centers. तो ज्यादातर जो petrochemicals है और petrochemicals की refineries और पेट्रो रसायन केंद्र ये नजदीक होते हैं या आसपास ही स्थित होते हैं। Now this chemical industries कहाँ पे होती है और उसका use क्या होता है? So this chemical industry is used in artificial fibers, artificial rubber, plastic goods, colors, chemicals and in medicines or drug industry. तो इसका उपयोग कृत्रिम फाइबर, कृत्रिम रबर, प्लास्टिक के सामान, रंग, रसायन और दवा उद्योग में किया जाता है। इंडिया हैज एन इम्पॉर्टेंट पोजिशन इन द वर्ल्ड इन इंसेक्टिसाइड वर्ल्ड। कीटनाशक जगत में भारत
का विश्व में महत्वपूर्ण स्थान है और यहाँ पे कहीं ना कहीं क्रेडिट देनी पड़ेगी हमें केमिकल इंडस्ट्री को। गुजरात लीड्स इन द कंट्री इन केमिकल इंडस्ट्री। गुजरात राज्य जो है भारत में रसायन उद्योग में सबसे आगे है। अहमदाबाद, वडोदरा, अंकलेश्वर एंड भरूच, व्हाट वी कॉल इट बावा, आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म से याद रख सकते हो, भरूच, अहमदाबाद, अंकलेश्वर एंड वडोदरा, दीज आर द मेजर सेंटर ऑफ केमिकल इंडस्ट्री। तो गुजरात में अहमदाबाद, अंकलेश्वर, वडोदरा एंड भरूच रसायन उद्योग यानी कि रासायनिक उद्योग के प्रमुख केंद्र है। Then the next one is chemical fertilizer industry, रासायनिक fertilizer का उद्योग। The first chemical fertilizer of India was set up in 1906 at Ranipet in Tamil Nadu. तमिलनाडु के रानीपेट में 1906 में पहला केमिकल फर्टिलाइजर फैक्ट्री लगाया गया। The development of this industry started when the Fertilizer Corporation of India, what we call it FCI, started its factory in Sindri. तो औद्योगिक तौर पे FCI यानी कि Fertilizer Corporation of India ने अपना पहला फैक्ट्री लगाया सिंदरी में और तब जाके हमने केमिकल फर्टिलाइजर बनाना शुरू किया या इसको एक उद्योग के रूप में शुरू किया सिंदरी में फैक्ट्री लगाने के बाद, और इसको लगाया था FCI यानी कि फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। दिस इंडस्ट्री इज सेंटर्ड इन गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एंड पंजाब एज वेल एज केरला, जिसको के गुप्त के नाम से आप याद रख सकते हो, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड केरला। In Gujarat, the factories producing chemical fertilizers are located at 2 KV Bhaji, what we call it 2K stands for Kalol and Kandla, V for Vadodara, BH for Bharuch and Hajira. तो आप ऐसे याद रख सकते हो। गुजरात में chemical fertilizer industries ये सारी जगह पे है, Kalol, Kandla, Vadodara, Bharuch and Hajira. फिर आता है प्लास्टिक इंडस्ट्री। प्लास्टिक इंडस्ट्री इज नोन एज सनराइज इंडस्ट्री। तो प्लास्टिक उद्योग को सनराइज उद्योग भी कहा जाता है। इट इज वाटरप्रूफ, कैन फिट इनटू एनी मोल्ड, इट इज यूज इन पैकेजिंग केमिकल्स, टेक्सटाइल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक। ये बेसिकली जल रोधक यानी कि वाटरप्रूफ है, किसी भी सांचे में ये ढल जाता है। इसका उपयोग रसायन, वस्त्र, घर बनाने के लिए या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में होता है। देयर हैज बीन अ कांस्टेंट इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल फॉर प्लास्टिक, और प्लास्टिक के कच्चे माल की मांग लगातार बढ़ती चली जा रही है। इंपॉर्टेंट सेंटर्स प्रोड्यूसिंग प्लास्टिक आर DMK, VBC यानी कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कानपुर, वडोदरा, वापी, बेंगलुरु, कोयम्बटूर एंड चेन्नई। तो गुजरात में प्लास्टिक इंडस्ट्रीज के लिए तीन प्रमुख शहर है, वडोदरा, वापी एंड अहमदाबाद। देन कम्स सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इज नीडेड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क लाइक रोड्स एंड डैम्स। सड़क और बांध जैसे निर्माण कार्यों के लिए सीमेंट की आवश्यकता होती है। इंडिया रैंक सेकेंड आफ्टर चाइना इन सीमेंट प्रोडक्शन, और सीमेंट उत्पादन में चाइना के बाद भारत का दूसरा स्थान है। इट प्रोड्यूसेस अबाउट 6% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन। ये विश्व उत्पादन का लगभग 6% उत्पादन भारत में होता है। दिस इंडस्ट्री हैज डेवलप इन द स्टेट ऑफ गुजरात। सीमेंट उद्योग गुजरात राज्य में भी विकसित हुआ है। इट रिक्वायर्स रॉ मटेरियल लाइक लाइमस्टोन, कॉल, जिप्सम, बॉक्साइट एंड क्ले। इसके लिए चूना, पत्थर, कोयला, जिप्सम, बॉक्साइट आदि कच्चे माल के रूप में जरूरी है। एज द रॉ मटेरियल एंड द सीमेंट प्रोड्यूस हैव मोर वेट, सो द सीमेंट फैक्ट्रीज आर लोकेटेड वेयर द रॉ मटेरियल इज अवेलेबल। हालांकि ये कच्चे माल जहां पे ये रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल मिलता है, वहीं पे सीमेंट का इंडस्ट्री लगाया जाता है, क्योंकि ये जो रॉ मटेरियल होता है वो वजन में काफी भारी होता है और उसका ट्रांसपोर्टेशन कन्वीनियंट हो, उसी लिए जहां पे ये रॉ मटेरियल मिलता है वहीं पे सीमेंट इंडस्ट्री यानी कि सीमेंट उद्योग लगाया जाता है।
ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट इंडस्ट्री यानी कि परिवहन एवं संचार उपकरण उद्योग, जिसमें सबसे पहला है रेलवेज। द इंडियन रेलवेज मैन्युफैक्चर देयर ओन इक्विपमेंट लाइक इंजन्स, रेल्स, पैसेंजर कोचेस एंड गुड्स वैगन्स। तो भारतीय रेलवे अपने उपकरण जैसे कि रेलवे का इंजन, रेल लाइन यानी कि पटरियां, पैसेंजर कोचेस और गुड्स वैगन अपने आप ही यानी कि खुद ही मैन्युफैक्चर करती है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इंजन्स। भारतीय रेलवे तीन तरीके के इंजन बनाती है। एक है स्टीम इंजन, जो हालांकि अब जनरली बंद हो गया है या हेरिटेज ट्रेन में ही उसका इस्तेमाल होता है। दूसरा है डीजल इंजन एंड तीसरा है इलेक्ट्रिक इंजन। स्टीम इंजन आर नाउ यूज ओनली फॉर हेरिटेज ट्रेन यूज फॉर टूरिस्ट। तो रेलवे द्वारा स्टीम इंजन का ज्यादातर उपयोग सिर्फ हेरिटेज ट्रेन के लिए पर्यटक के पर्पज के लिए किया जाता है। डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन आर प्रोड्यूस्ड एट चित्रंजन लोकोमोटिव वर्क्स इन मिहिजाम, वेस्ट बंगाल, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स एट वाराणसी एंड टाटा लोकोमोटिव वर्क्स एट जमशेदपुर। तो इलेक्ट्रिक और डीजल इंजन को मिहिजाम, वेस्ट बंगाल में चित्रंजन लोकोमोटिव वर्क्स करके कंपनी है वहां पे, वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है वहां पे और जमशेदपुर में टाटा लोकोमोटिव वर्क्स है वहां पे मैन्युफैक्चर किया जाता है। और जो पैसेंजर कोचेज है उसका मैन्युफैक्चरिंग बेंगलुरु, पेरम्बूर, कपूरथला एंड कोलकाता में होता है। तो पैसेंजर कोच को बनाया जाता है बेंगलुरु, पेरम्बूर, कपूरथला एंड कोलकाता। देन द नेक्स्ट वन इज रोड व्हीकल्स। फॉर्मली कार्स वर मेड इन इंडिया ओनली बाय असेंबलिंग इंपोर्टेड पार्ट्स। तो पहले भारत में सिर्फ आयाती भाग को जोड़ के व्हीकल यानी कि कार बनाई जाती थी। टुडे देयर आर फैक्ट्रीज मेकिंग ट्रक्स, बसेस, कार्स, मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स, साइकिल्स एक्सेट्रा। और आज भारत में ट्रक, बस, गाड़ी, मोटरसाइकिल, स्कूटर और साइकिल बनाने की भी फैक्ट्री लगी हुई है। इंडिया रैंक्स फिफ्थ इन द वर्ल्ड इन प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स। भारत का कमर्शियल व्हीकल के उत्पादन में दुनिया में पांचवा स्थान है। मैनी व्हीकल्स एंड स्पेयर पार्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एंड एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज। ट्रैक्टर्स एंड साइकिल्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल एंड एक्सपोर्टेड। तो भारत में कई वाहन के स्पेयर पार्ट बनाए जाते हैं और उसको बनाने के बाद दूसरे देशों में निर्यात किए जाते हैं। ट्रैक्टर और साइकिल का बड़े पैमाने पे यहाँ पे उत्पादन होता है और फिर उसको निर्यात किया जाता है। फिर है शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, जहाज निर्माण उद्योग। शिप बिल्डिंग इज एन एंशियंट इंडस्ट्री इन इंडिया। जहाज निर्माण भारत में एक प्राचीन उद्योग है। द मॉडर्न शिप बिल्डिंग सेंटर्स इन पब्लिक सेक्टर आर विशाखापट्टनम, कोलकाता, कोची, मुंबई एंड मरगांव। तो सार्वजनिक क्षेत्र में आधुनिक जहाज के निर्माण केंद्र है विशाखापट्टनम, कोलकाता, कोची, मुंबई और मरगांव में। कोची एंड विशाखापट्टनम बिल्ड लार्ज साइज शिप्स। कोची और विशाखापट्टनम में बड़े आकार के, बड़े साइज के जहाज बनाए जाते हैं। प्राइवेट डॉकयार्ड फुलफिल लोकल नीड्स और निजी डॉकयार्ड स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। फिर है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। अब देखो, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में फर्क होता है। जिसमें भी माइक्रोचिप लगता है या सर्किट लगती है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक। तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, रेडियो एंड टेलीफोन इंडस्ट्री वॉज एस्टेब्लिश इन इंडिया इन 1906। तो 1906 में रेडियो और टेलीफोन इंडस्ट्री को स्थापित किया गया था भारत में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, व्हाट वी कॉल इट बेल, वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1956 इन बेंगलुरु टू मैन्युफैक्चर इक्विपमेंट फॉर आकाशवाणी एंड वेदर डिपार्टमेंट। तो आकाशवाणी और हवामान खाते के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बेल को स्थापित किया गया था बेंगलुरु में 1956 में। टुडे इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट विद इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विच इज फॉन्डली नोन एज इसरो। आज ये जो बेल कंपनी है वो इसरो के लिए अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक
उपकरण बनाती है. दिस इंडस्ट्री हैज चेंज द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल एंड द नेशनल इकोनॉमी. और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री ने हमारे देश का लाइफस्टाइल और देश का अर्थतंत्र बदल के रख दिया. बेंगलुरु हैज बिकम द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल एंड इज कॉल्ड सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया. बेंगलुरु जो शहर है भारत का, वो भारत का इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल कहलाता है और उसको भारत का सिलिकॉन वैली भी कहलाता है. अब हकीकत में सिलिकॉन वैली जो है वो कैलिफोर्निया में स्थित है, जहाँ पे सारी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां मौजूद है. हालांकि भारत की बात करें तो भारत के लिए बेंगलुरु हमारा सिलिकॉन वैली है. सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजिकल पार्क्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री. तो सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी पार्क भी बनाए गए, ये इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए. द फ्यूचर ऑफ दिस इंडस्ट्री इन इंडिया इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक. और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का भविष्य भारत में काफी आशास्पद है. और लास्ट टॉपिक है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड रेमेडीज, यानी कि सॉल्यूशन. तो इंडस्ट्रीज आर नीडेड फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन. हाउएवर दे हैव इंक्रीज पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंट डिग्रेडेशन. तो किसी भी राष्ट्र के लिए आर्थिक विकास में उद्योगों की सबसे अहम भूमिका होती है, उद्योगों की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है. हालांकि यही उद्योगों से प्रदूषण और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के भी प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं. दे कॉज एयर, वाटर, लैंड और नॉइस पॉल्यूशन. तो ये इंडस्ट्रीज के चलते एयर, वाटर, लैंड और नॉइस के पॉल्यूशन होते हैं. इंडस्ट्रीज पॉल्यूट एयर बाय रिलीजिंग हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन मोनोक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड. तो उद्योग जो है वो कार्बन मोनोक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे हानिकारक वायुओं को निष्कासित करके वातावरण को प्रदूषित करते हैं. दे ऑल्सो रिलीज टॉक्सिक एंड केमिकल एफ्लुएंट्स इन द वॉटर बॉडीज विदाउट ट्रीटिंग दैम. तो काफी सारे उद्योग पानी में जो केमिकल लिक्विड रिलीज करते हैं उसमें काफी जहरीले और रासायनिक पदार्थ होते हैं जो पूरे वाटर बॉडी को खराब करके रख देते हैं. हकीकत में ये सारे जो टॉक्सिक एंड केमिकल एफ्लुएंट्स है उसको दूर करके ही वाटर बॉडी में रिलीज करना होता है, जिस बात को ज्यादातर इंडस्ट्रीज फॉलो नहीं करती है. नॉइस पॉल्यूशन इज कॉज्ड ड्यू टू ओल्ड मशीनरी एंड लैक ऑफ प्रॉपर सर्विसिंग ऑफ मशीनरी इन इंडस्ट्रीज. तो उद्योगों में पुरानी मशीनरी और मशीनरी के उचित सर्विसिंग न होने के चलते ध्वनि प्रदूषण होता है. दिस कॉजेज मेंटल टेंशन, इरिटेशन एंड लीड्स टू डेफनेस. और इससे कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन और बहरापन या मानसिक तनाव जैसी समस्या पैदा होती है. स्टेप्स टू कर्ब एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन रोकने के लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं? अ कंट्री शुड नॉट प्रोग्रेस एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट. किसी भी देश को पर्यावरण की कीमत पे प्रगति नहीं करनी चाहिए. द अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस विद प्रॉपर प्लानिंग ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. औद्योगिक विकास की उचित योजना बना के प्रदूषण की मात्रा को कम किया जा सकता है. पॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस ओनली बाय सिलेक्शन ऑफ क्वालिटी इक्विपमेंट एंड फ्यूल. तो गुणवत्ता युक्त इक्विपमेंट और ईंधन के सिलेक्शन के साथ प्रदूषण को काफी तरीके से कम किया जा सकता है. द एयर पॉल्यूशन कैन बी कर्ब थ्रू फिल्टर, स्क्रबर एंड प्रिसिपिटेटर्स. फिल्टर, स्क्रबर और प्रिसिपिटेटर्स के माध्यम से वायु प्रदूषण पे अंकुश लगाया जा सकता है. द वॉटर पॉल्यूशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय रिलीजिंग इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट. तो उद्योगों द्वारा उचित ट्रीटमेंट करने के बाद अगर केमिकल वाला पानी
वाटर बॉडी में छोड़ा जाए तो उससे जल प्रदूषण की समस्या को रोका जा सकता है। इवन द नॉइज पॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस बाय अपडेटिंग एंड सर्विसिंग द मशीनरी। मशीनरी में इस्तेमाल हो रहे अद्यतन साधन और उसकी उचित सर्विस करने के चलते ध्वनि प्रदूषण को भी कम किया जा सकता है, या कहो नियंत्रित किया जा सकता है।